खुद की जय करें। वर्तमान संकट ने ये स्थापित किया है कि हम जितना अपने आप से जुड़ेंगे, अपना आत्ममंथन करेंगे, खुद की खूबियाँ और खामियाँ दोनों को जान सकेंगे और संकट चाहे कितना भी बड़ा हो उसे उबर सकते हैं। संकट काल में प्रबल आत्मशक्ति वाले ध्यान योग करें या ना करें, लेकिन वे प्रार्थना जरूर करते हैं। प्रार्थना यही करते हैं कि हे ईश्वर, आपने जिस तरह मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी, आगे भी देना, सही निर्णय की समझ देना और अपने उस निर्णय पर टिके रहने की ताकत भी देना। ध्यान दें, यह प्रार्थना ही ऐसे लोगों के लिए ध्यान बन जाती है। वे हरदम ध्यान से रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंतन करते हैं कि कहीं कमी तो नहीं रह गई, क्या मुझे उसमें कुछ दूरी करनी है। आप मुझसे पूछेंगे कि कहाँ से आती है उनमें मजबूती, तो यही उत्तर है उसका कि वे हरदम खुद में लीन रहते हैं, खुद के बारे में चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और मुश्किलों का समुचित समाधान निकालते हैं। यह सच है कि सारी समस्या की जड़ हमारे अंदर ही है और समाधान भी हमारे पास ही रहता है। मैंने इस साल पिछले 5 महीनों में बहुत सारे वेबिनार किए जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। सबने यही सवाल किया कि आपने संकट काल में खुद को कैसे प्रेरित रखा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता है बस एक चीज़ सबसे अधिक जरूरी है, वह है खुद के प्रति जिम्मेदार होना। उसके बाद आप खुद ब खुद आंतरिक खोज की यात्रा पर निकल जाएंगे। यहाँ आपको 2 तरीके बताता हूँ जो मन ही मन आपको करते रहना है। पहला है, मन को दे अच्छी सलाह। आप खुद से कितनी बार बातें करते हैं और क्या बात करते हैं, यह आपके व्यवहार की दिशा तय कर सकता है। जैसे यदि आपका कल में आपने नकारात्मक बातें की तो तनाव झेलते रहेंगे। खुद से बात का प्रभाव आपके मन को बड़ा प्रभावित करता है, इसे मेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। यह ऑटो सजेशन यानी खुद को सलाह भी देना होता है, जैसे तुम्हें यह काम करना है, ऐसे इस दिशा में सोचना है आदि सजेशन से अपना मन भी उसी दिशा में मुड़ने का प्रयास करेगा। आप यदि कहेंगे कि मैं आक्रामक इंसान हूँ, मुझे तो इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, ये बात मैं नहीं सह सकता, जो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में यह बात नज़र आने लगेगी। वही इसी जगह यदि आप कहेंगे कि परिस्थिति चाहे कितनी परेशान हो पर मुझे शांत रहना है, धैर्यपूर्वक परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ना है, तो आपका मन उस सलाह को लेकर सक्रिय होने लगेगा। ध्यान दें, वर्तमान संकट के दौरान जो लोग आपने आपको सामान्य से ऊपर उठा सके उनमें यह विशेषता देखी जा सकती है। दूसरी सलाह है, करना है विजुलाइज। आप जो बातें खुद से करते हैं उन्हें सचमुच घटता हुआ देखना भी जरूरी है, अन्यथा मन को परीक्षित ट्रेन करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। मन में देखें कि आपने जो सोचा है वह आप बन पा रहे हैं या नहीं, दरअसल इसे विजुलाइज करना कहते हैं। इस संबंध में एक उदाहरण बताता हूँ। हमारी क्रिकेट टीम को 3 हिस्से में बांट दिया गया था। एक को कहा गया कि बस आपको अभ्यास करते रहना है, दूसरे समूह को केवल मेंटल प्रैक्टिस यानी विजुलाइज करने को कहा गया। इसमें उन्हें मन ही मन खुद को खेलते देखना था। तीसरे समूह को कुछ नहीं करना था। 30 दिन यानी 1 माह बाद तीनों समूह को बुलाया गया तो पता चला कि पहले दोनों समूह यानी जो केवल प्रैक्टिस करते थे या जो मेंटल प्रैक्टिस या विजुलाइज करते थे, दोनों का स्तर बहुत बेहतर हुआ। तीसरा, जिसने कुछ नहीं किया, उसका स्तर गिर गया था। यानी चाहे आप शारीरिक अभ्यास करें या मानसिक, दोनों समान रूप से उपयोगी होते हैं। जो अच्छे वक्ता होते हैं, जिनकी बातों से आप प्रभावित हो जाते हैं, उनकी भी यही खूबी होती है। आपने स्कूल में ड्रामा किया होगा, आपसे यही कहा जाता है कि पहले मन में रिहर्सल कर लो तो आपकी भूमिका बेहतर कर सकोगे। यही आंतरिक प्रक्रिया
मतलब इंटरनल सर्चिंग जो आपको भीड़ से अलग करती है। आप एकाग्र हो जाते हैं अपने आत्मविश्वास के लिए। अब यह आप पर निर्भर है कि आप क्या फैसला करते हैं, आने वाले समय में कितना बेहतर बनने का प्रयास करते हैं।